हेलो दोस्तों, आप भी वीवो के एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर हैं और आप भी अपने वीवो के हैंडसेट को यूज करते हैं और आप भी वीवो में गलती से लॉक लगा दिए हैं या आपके फैमिली मेंबर्स फ़ोन में लॉक लग गया है, गलती से आप ही से लॉक लग गया, किसी बच्चे से फ़ोन में लॉक लग गया, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे बात करें तो टेंशन नहीं लीजिए, घबराइए नहीं। अब आपका टेंशन मेरा टेंशन होगा क्योंकि आप इस वीडियो पर क्लिक किए, तो आपको इस वीडियो में पूरा 100% सोल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा कि अपने फ़ोन में लॉक लगा हुआ कैसे तोड़े, आपके फ़ोन में कोई सा भी लॉक लगा हुआ है आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो इस ट्रिक से बहुत ही ईजी तरीके से मैं जो ट्रिक बताऊँगा, वीवो का कोई भी आपके पास हैंडसेट है, कोई भी मॉडल आपके पास हैंडसेट है, तो इस ट्रिक से बहुत ईजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं और उसमें कोई सा भी लॉक लगा दिए, पिन, पैटर्न, अल्फाबेटिकल, कोई नाम वगैरह, कोई नंबर वगैरह, कोई सा भी, या कोई फिंगरप्रिंट आपका वर्क नहीं कर रहा, फेस लॉक आपका वर्क नहीं कर रहा, तो इस ट्रिक से बहुत ईजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। कोई सा भी पासवर्ड लॉक लगा दिए, तो इस ट्रिक से बहुत ईजी तरीके से, और ये ट्रिक सिर्फ आपको ऑफलाइन मोड है और इसमें किसी कोई तरीके से आपको पीसी, सॉफ्टवेयर, कोई लैपटॉप, डेटा केबल, कुछ नहीं, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो आपका फ़ोन लॉक हो गया है वो आपके पास फ़ोन आपके हैंड में होना चाहिए। तो कुछ नहीं, इस तरीके से स्वैप अप करिएगा तो आपको जहाँ पर लॉक लगा रहेगा उस पेज पर आएगा। तो यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपको पासवर्ड पता नहीं है, तो छेड़खानी बार बार नहीं करिएगा, नहीं तो इनकरेक्ट पासवर्ड होने से तो फिर भी जो इस क्या होगा, आपका फ़ोन पूरी तरीके से उसको और अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से और थोड़ा टाइम लग के थोड़ा सा खुलेगा क्योंकि फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो आपको फ़ोन खोलने में बहुत ही थोड़ा स्लो टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करिएगा, आपको नीचे इमरजेंसी कॉल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ इमरजेंसी कॉल ओनली का पेज ओपन होगा। यहाँ डायलर पैड पे जो भी मैं कोड डायल करूँगा उस हर कोड को इम्पोर्टेंट नोट, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये कोड को कॉपी पर या दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिएगा, ये हर एक कोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कोड रहेगा जो ऑफलाइन मोड में कोड रहेगा, आपके फ़ोन में जो डेवलपर ऑप्शन ऑन है और आपके फ़ोन में जो ऐप है वो ऑन है, वो सारा बंद हो जाएगा, आपका फ़ोन फुल्ली तरीके से आपका फ़ोन ऑफलाइन मोड में हो जाएगा। तो इस कोड को नोट कर लीजिएगा, पहला कोड रहेगा, ये पहला कोड, इस कोड को भी नोट करके इसको यहाँ 569870*# पे क्लिक करके इसको कॉल का यहाँ बटन दिख रहा होगा, इसको 7 टाइम कॉल करना है, ठीक है। कॉल फेल रहेगा इसको इग्नोर करके ओके कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टाइम कॉल करने बाद इस कोड को डिलीट कर दीजिएगा। अब जो सेकंड कोड है जिसे गूगल FRP कोड कहते हैं, ये मार्च महीने का ये लेटेस्ट कोड है और ये कोड हर महीने चेंज होते रहता है। अगर इस वीडियो को आप अप्रैल महीने में देख रहे हैं तो ये कोड को ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं वर्क करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। न्यू कोड तो हमारी टीम की ओर से न्यू कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, न्यू कोड कमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इस कोड को भी नोट कर लीजिएगा, *# पे क्लिक करके इसको 9 टाइम कॉल करना है, यहाँ कॉल फेल रहेगा इसको इग्नोर करके ओके कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 इसको 2 6 7 8 9 टाइम कॉल करने बाद इस कोड को डिलीट कर दीजिएगा। अब जो इस कोड को फिर अब जो लास्ट कोड है जिसे मास्टर अनलॉकिंग कोड कहते हैं, *#8999 और हैज पे क्लिक करेंगे, ये कोड नहीं है यहाँ पर, *#8999 और हैज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ इंजीनियर मोड का पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर देखिए ऊपर से चौथे नंबर पे मैनुअल टेस्ट बटन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए आ जाइएगा सेकंड में जो डिवाइस डबिंग का पेज है और यहाँ सेंसर ऑफ सेल टेस्टेड एंड कैलिब्रेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंगल है, आपके फ़ोन में हो सकता है ये डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 या 4 बार होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 1 है तो 1 को कोई भी पास होना चाहिए, 2 है तो दोनों में से कोई 1 पास होना चाहिए, 3 है तो 2 पास होना चाहिए, 4 है तो 2 पास होना चाहिए। अगर कोई भी पास नहीं होता है तो उसको कम से कम ट्राई करते रहना 5 टाइम, मतलब कि 5 बार उसको ट्राई करेंगे पास करने का। अगर पास 2 में से 1 को पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पास हुआ 5 बार में नहीं पास हुआ तो फिर उसको दूसरे तरीके से पास करने के बारे में बताएंगे। तो पहले ट्राई करते हैं, इसको स्टार्ट कर दिए, टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं तो देखिए पास नहीं हुआ फर्स्ट, अब सेकंड होने वाला है, देखिए पास होता है कि नहीं होता है, सेकंड हो गया, अब थर्ड देखते हैं पास होता है कि नहीं होता है, नहीं फेल हो गया, फिर फोर्थ देखते हैं तो देखते हैं पास होता है कि नहीं होता है, तब तो रुक गए हैं, फिर फोर्थ फिफ्थ देखते हैं, लास्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर देखिए दोस्त क्या नहीं पास हुआ, एक्सेलेरोमीटर नहीं ना पास हुआ था, फिर यहाँ से बैक क्लिक करेंगे
और बैक क्लिक करके सेंसर ऑफसेट टेस्टेड पे क्लिक करना है। और यहाँ देखिएगा एक्सेलेरोमीटर कहाँ पर ढूंढना है, एक्सेलेरोमीटर देखिए तीसरा नंबर पे एक्सेलेरोमीटर है, इसको 7 टाइम क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर बैक क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए जायरोस्कोप पे क्लिक करना है, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पर पास होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पास हो चुका है, तो यहाँ से फिर बैक क्लिक करेंगे, फिर से बैक क्लिक करना है और यहाँ से बैक क्लिक करके यहाँ पर एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है, तो यहाँ से फिर बैक क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे अदर ऑप्शन के पेज जो लास्ट में रहेगा। और आपको यहाँ चेक करना है कि गूगल की पास हुआ है कि नहीं, तो कहाँ पर चेक करिएगा, तो की स्टेटस पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों गूगल की पास हो चुका है, तो यहाँ से गूगल की पास हो चुका है तो बैक क्लिक करेंगे और यहाँ रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंफर्म कहेगा, ओके कर दीजिएगा और फ़ोन में जितने भी प्रोसेस हुआ है वो पास हुआ है कि नहीं हुआ, फ़ोन अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करेंगे। तो रीडिंग और चेक करने के लिए रीडिंग और रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पर क्लिक करना है। और देखिए दोस्तों फ़ोन में जितने भी प्रोसेस किए तो सारा कुछ पास हो चुका है, फ़ोन आपका 100% ये फ़ोन अनलॉक हो गया है, फ़ोन ये 100% अनलॉक हो गया। तो फ़ोन को चेक करने के लिए बीच में होम बटन दिख रहा होगा, होम बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये फ़ोन अनलॉक हो गया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों खुशी की बात ये है कि एक भी डेटा यहाँ लॉस नहीं हुआ, एक भी डेटा डिलीट नहीं हुआ, अनइंस्टॉल नहीं हुआ, एक भी ऐप अनइंस्टॉल नहीं हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग फिर से कमेंट करते कि फ़ोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक किए हैं, तो दिखा देता हूँ दोस्तों कि इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट ना फेस लॉक लगा हुआ है। यहाँ सेटिंग में आएगा, फेस एंड पासवर्ड पर आ गया और यहाँ देखिए दोस्तों ऐज फेस मांग रहा है, इस फ़ोन में फेस मांग रहा है और इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट कहीं पर लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट है नहीं, तो दोस्तों इस फ़ोन में फेस लॉक भी नहीं लगा हो, तो दोस्तों ये फ़ोन तो लॉस ये फ़ोन तो अनलॉक हो गया है दोस्तों। तो आपका भी फ़ोन अनलॉक हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग पवन टेक इन्फो।